हेलो गाइस। ऑलराइट, तो गाइस फाइनली हमने जाके देख ली जवान थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और यहाँ पे 9 बजे लगता है, 5:30 बजे नहीं लगता। सो मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी, शाहरुख खान द लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, और काफी लोगों को डाउट हो रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट सीरियसली जवान देख के सबका डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि शाहरुख खान क्यों है लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। जवान प्योर एग्जांपल है, थिएटर खचाखच भरे हुए थे, लोग लिटरली थिएटर को स्टेडियम बना दिए थे, और लास्ट ऐसी हूटिंग और चीयरिंग मैंने कब देखी थी राजीव? ये एंड गेम के टाइम पे, यही बोलता ना तूने अपने व्लॉग में। व्लॉग भी देखा जाके। आज जब शाहरुख खान की हमने मास एंटरटेनर बोले या फिर मास एंट्री मूवी बोले, जवान फाइनली हमने देख ली। हम सीधा देखकर घर पर आए, और अब फाइनली हम सोचा कि चलो जल्दी से साथ बैठ के रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शाहरुख खान की परफॉर्मेंस से। तो नो डाउट शाहरुख खान ने इस बार जो परफॉर्मेंस दी है, वो जो ट्रेलर का डायलॉग है ना, जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ये बात सच है, अगर हम डिफरेंशिएट करें एक विलन का कैरेक्टर और शाहरुख के कैरेक्टर को, तो वो काफी अच्छे से प्ले किया शाहरुख ने, नो डाउट, और वो काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। ज्यादा बात करेंगे ना तो ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हर डायलॉग पे सीटी बज रही थी। मेरे साइड में तो एक आंटी बैठी थी, आंटी सीटियां मार रही है यार। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। लाइक हम लोग जब सीट्स बुक कर रहे थे, हमें मुश्किल से सीट्स मिल गई, और लिटरली जब भी मूवीज लोग देखने आते थे तो तुम्हें क्राउड में मोस्टली बॉयज देखने मिलेंगे या फिर बुड्ढे देखने मिलेंगे। आज की मूवी में लिटरली एज्ड लोग, फैमिली वाले लोग, यंगस्टर्स, लड़कों और लड़कियों का रेशियो लिटरली बैलेंस था, और सारे के सारे जब गाने आ रहे थे लिटरली नीचे जाके नाच रहे थे। आज का क्राउड देखकर यार इतना तो क्लियर हो गया कि भाई के फैंस हर जगह हैं, जो भाई हैं। लेकिन शाहरुख खान के फैंस यार हर घर में हैं, मतलब बच्चा बच्चा है, वो आज हमने देख लिया यार लिटरली। तो बता, जब नीचे डांस हो रही थी, एक अंकल अपने बच्ची को कंधे पे रख के नाच रहे थे। लाइक वाओ, सही है। तो जैसा कि यार तुम्हें पता है, ये एटली फिल्म है, और एटली को अगर तुम नहीं जानते तो तुमने क्या कभी ये मूवीज नहीं देखी क्या टीवी पे? हाँ, एटली ने एक मास एंटरटेनर बनाई है, और जैसा कि सबको पता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो वापस बता देता हूँ, ये फिल्म जब शाहरुख खान के पास गई थी तो शाहरुख खान ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि इसकी स्टोरी लाइन ना एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रही थी जो एक मास ऑडियंस को कवर करे। और उसके बाद एटली अपने घर वापस आए, ऐसे बैठे पेपर पेन लेकर, और पूरी स्क्रिप्ट वापस से लिखी, और उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए। Like seriously, movie इतनी proper way में action packed है कि ये perfect theater experience है। तुम hooting करोगे, तुम cheering करोगे, तुम emotional तक होगे, तुम्हें हंसी आएगा, and it's totally worth it. मेरी सबसे ज्यादा हंसी तब छूटी जब बस फर्स्ट सीन आता है, शाहरुख रिवील होता है, और शाहरुख के मुंह से डायलॉग निकलता है, कौन हूं मैं, और स्क्रीन पे लिखा आता है शाहरुख खान। भाई एटली चिढ़ा रहा है। सही में यार। But seriously यार, like बड़े टाइम बाद, he's so young यार, no doubt, एक यंग डायरेक्टर ने एक लिटरली ऐसी मास एंटरटेनर फिल्म दी जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई है। वहीं बात करें इस मूवी के विलन की, तो विजय सेतुपति, जिनके ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया फैन फॉलोइंग खतरनाक है, like तुमने उन्हें विक्रम वेदा में देखा, फैमिली मैन में एज अ पुलिस ऑफिसर देखा, एंड इस मूवी में तुम्हें एज अ विलन दिखेंगे जो बहुत ज्यादा ही लाइकेबल है। विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि जब लास्ट में फेस ऑफ चल रहा होता है शाहरुख और विजय सेतुपति के बीच में, वो टक्कर की लड़ाई लग रही थी, और यार विजय सेतुपति ये एक फन कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में कैसे डाल देते हैं पता ही नहीं चलता। तुम्हें लिटरली विजय सेतुपति को देखकर हंसी आएगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ इसके पास पावर है, लेकिन परफेक्ट विलन जो है विजय सेतुपति ने प्ले किया है, और उनका जो ये कैरेक्टर है तुम्हें लेजिट मूवी में पसंद आएगा, और ये तुम्हारे टॉप बेस्ट विलन की लिस्ट में तो पक्का आ ही जाएंगे। और वहीं पे तुम्हें साथ में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करते हुए दिखेगी नयन थारा, जिन्होंने इस मूवी में एक कॉप का रोल प्ले किया है। और सीरियसली जब भी बॉलीवुड या फिर कोई भी इंडस्ट्री फीमेल कैरेक्टर्स दिखाते हैं तो काइंड ऑफ दबे दबे रहते हैं, इस मूवी में सीरियसली नयन थारा एक परफेक्ट एम्पावर्ड वुमन दिखेगी। वो स्ट्रांग है जस्ट बिकॉज की वो वुमन नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लिटरली पावरफुल है, और नयन थारा ने अपना रोल बहुत ही बढ़िया में प्ले किया है। इनफैक्ट नयन थारा ने एक्शन के मामले में तो यार ऐसा लग रहा था कि शाहरुख की टक्कर की एक्शन परफॉर्मेंस दी है, मतलब वो फाइट सीक्वेंसेस, वो मूव्स कोई हॉलीवुड इंटरनेशनल मूवी से कम नहीं थे, मतलब उसको क्रॉस किया है फाइनली जवान ने एक्शन सीक्वेंसेस में जेन्युइनली। और साथ में इनफैक्ट मूवी में और भी फीमेल लीड्स हैं,
ये मूवी लिटरली एक परफेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज देता है जो बहुत रेयरली हमें बॉलीवुड में देखने मिलता है या फिर ऑल ओवर इंडस्ट्री देखने मिलता है, एंड इस मूवी ने उस चीज के साथ जस्टिस किया है। वहीं पे इस फिल्म में म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने। यार आई स्वेर ये बंदा मतलब कितने साल का है राजीव? कितने साल? 26। सीरियसली? हाँ। तेरे से 2 साल छोटा, मेरे से 1 साल छोटा। शाहरुख खान के साथ काम कर रहा है यार। खबर ये आ रही थी कि अनिरुद्ध ने 10 करोड़ लिए इस मूवी के लिए। और हम लोगों के दिमाग में क्यों, बट मूवी का म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर या फिर SFX हो या फिर विलन के आने पर जो म्यूजिक बचता है, वो BGM और साउंडट्रैक्स तो तुमने अभी तक सुने भी नहीं, वो सारे रिवील होंगे जब तुम पिक्चर देख कर आओगे। आई स्वेयर अभी तक काफी सारे चीज है जो अनरिलीज्ड है। अनिरुद्ध जब भी किसी भी मूवी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बनाता है, फाइनल बात करते हैं। अब एक चीज तो गारंटी है कि इस मंथ के एंड तक ये मूवी 1000 करोड़ तो डेफिनेटली क्रॉस करेगी। और अगर तुमने भी सोचा है कि तुम ये मूवी देखने जाना चाहते हो, चाहे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो तुम जाओ, ध्यान से जाना, पता चलेगा तुम्हें कहीं हाउसफुल ना मिल जाए। क्योंकि ये मूवी लिटरली एक मास, अगेन लाइक सेम वर्ड अगेन, ये मूवी एक मास एंटरटेनर है, ये मूवी कोई भी देख सकता है। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू ऑन जवान, बिल्कुल सीधा थिएटर से आके यहाँ बैठे और स्टार्ट कर दिया। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे जो लाइक बटन है वो दबाओ, और अगर तुमने जवान देख ली है तो तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है वो नीचे कमेंट में बताओ, विदाउट स्पॉइलर, हमने भी नहीं दिए, ठीक है? स्पॉइलर वाले कमेंट्स हम डिलीट कर देंगे। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल गाइस। जाने से पहले जल्दी नीचे, अगर तुम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, और अगर शाहरुख खान तुम्हें जानना है कि क्यों है मेगा स्टार, तो वेल ये वाली वीडियो जो अभी कहीं पे अपीयर हो रही है, और आई बटन के साथ जाके इसे जरूर देखना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब, विक्रांत।